जय हिंद दोस्तों, मैं अरुण सर आप लोगों के बीच जिज्ञासा अकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे इतिहास की प्रैक्टिस सीरीज के विषय में। देखते हैं आपका पहला क्वेश्चन क्या कहता है। प्रथम हूण आक्रमण कब हुआ? ऑप्शन ए कहता है 354 ईस्वी में, बी कहता है 300, बी कहता है 558 ईस्वी में, सी कहता है 458 ईस्वी में, डी कहता है 658 ईस्वी में। आप लोग बताने का प्रयास करिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर कौन सा होगा? देखिए सबसे पहले कौन सा बचा, इसका राइट आंसर बताने का प्रयास करें। इसका राइट आंसर आपको कौन सा देगा? सी जो इसका राइट आंसर है। हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर दो आपका क्या कहता है इसको देखते हैं। वर्ष 1870 में भारतीय सुधार संघ के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए कहता है देवेंद्रनाथ टैगोर, बी कहता है केशव चंद्र सेन, सी कहता है राम मोहन राय, डी कहता है दयानंद सरस्वती। तो बताने का प्रयास करें बच्चों सभी, इसका राइट आंसर कौन सा होगा? इसका राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? बी, केशव चंद्र सेन जो थे इसके राइट आंसर है। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर आपका तीन क्या कहता है इसको देखते हैं। शांति निकेतन का निर्माण किसने कराया? ऑप्शन ए कहता है गुरु रामदास, बी कहता है महाराज प्रताप सिंह, सी कहता है रविन्द्रनाथ टैगोर, डी कहता है ब्रिटिश सरकार। तो आप लोग बताने का प्रयास करिए इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो इसका राइट आंसर आपको देगा रविन्द्रनाथ टैगोर। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका चार क्या कहता है इसको देखते हैं। वर्ष 1888 में स्थापित ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए कहता है रविन्द्रनाथ टैगोर, बी कहता है सुभाष चंद्र बोस, सी कहता है सरदार वल्लभ भाई पटेल, डी कहता है राजा राम मोहन राय। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, राजा राम मोहन राय। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर पांच आपका क्या कहता है इसको देखते हैं। असहयोग आंदोलन को किसके कारण स्थगित किया गया था? ऑप्शन ए कहता है जलियांवाला बाग कांड, बी कहता है पूना समझौता, सी कहता है गांधी समझौता, डी कहता है इनमें से कोई नहीं। आप लोग बताने का प्रयास करिए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। इसका राइट आंसर कौन सा होगा? डी, इनमें से कोई नहीं। चौरा चोरी कांड के कारण जो है इसको स्थगित किया गया। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर छह आपका क्या कहता है इसको देखते हैं। निम्नलिखित में से किस शासक ने जजिया समाप्त किया था? ऑप्शन ए कहता है जहांगीर, बी कहता है बलवंत, सी कहता है औरंगजेब, डी कहता है अकबर। इसका राइट आंसर कौन सा होगा? इसका राइट आंसर आपको देगा अकबर, डी जो है इसका राइट आंसर है। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सात आपका क्या कहता है इसको देखते हैं। भारत का राजा किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए कहता है जवाहरलाल नेहरू, बी कहता है महात्मा गांधी, सी कहता है गोपाल कृष्ण गोखले, डी कहता है दादा भाई नौरोजी। इसका राइट आंसर कौन सा रहेगा? दादा भाई नौरोजी इसका जो राइट आंसर। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर थे। महात्मा गांधी को क्या कहा जाता है? बापू कहा जाता है। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर आपका आठ क्या कहता है। ब्रिटिश काल में दिल्ली के पहले भारत की राजधानी क्या थी? ब्रिटिश काल में दिल्ली के पहले भारत की राजधानी क्या थी? क्या थी? ऑप्शन ए कहता है कोलकाता, बी कहता है जौनपुर, सी कहता है आगरा, डी कहता है गांधीनगर। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? कोलकाता, जौनपुर, आगरा। आगरा में क्या स्थित है? ताज महल आगरा में स्थित। गांधीनगर किसकी राजधानी है? तो गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर नौ आपका क्या कहता है इसको देखते हैं। दिल्ली भारत की राजधानी बनी? ऑप्शन ए कहता है 1953, बी कहता है 1947, सी कहता है 1912, डी कहता है 1949। इसका राइट आंसर कौन सा होगा? देखिए सबसे पहले कौन सा बच्चा इसका राइट आंसर कहता है, तो 1912 में जो था दिल्ली जो है भारत की राजधानी बनी थी। 1947 में क्या हुआ था? हमारा देश जो था आज़ाद हुआ था। 1949 में 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान जो है बनकर क्या हुआ था? तैयार हुआ था। क्वेश्चन नंबर 10 सीरीज का लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है इसको देखते हैं। नरम और गरम दल के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ? ऑप्शन ए कहता है दिल्ली, बी कहता है सूरत, सी कहता है अहमदाबाद, डी कहता है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? सूरत। सूरत कहाँ स्थित है? गुजरात का एक शहर है जिसको हीरे के शहर के नाम से भी जाने जाते हैं। अहमदाबाद कहाँ स्थित है? तो ये भी गुजरात में स्थित है, साबरमती नदी के किनारे। दिल्ली क्या है?
दिल्ली जो है भारत की राजधानी है। आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में हम लोग करते हैं। जय हिंद दोस्तों।